श्रीगंगानगर से खबर है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का लालगढ़ हवाई पट्टी पर स्वागत हुआ। विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, प्रधान सुरेंद्र पाल बराड़, प्रधान निशांत सिंधु ने स्वागत किया। अबोहर से दिल्ली जाते वक्त श्रीगंगानगर की लालगढ़ हवाई पट्टी पर रुके माकन। अजय माकन ने श्रीगंगानगर जिले की समस्याओं और कई मुद्दों पर चर्चा की। कुछ देर बाद अजय माकन लालगढ़ हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या ये कार्यक्रम पहले से तय था या अचानक ही ये अजय माकन यहाँ पर पहुंचे? देखिए, अजय माकन पंजाब के चुनाव के दौरे पर है और राजस्थान से सटे पंजाब के कुछ इलाकों के उन्होंने दौरे किए और उसी दौरान वो अपने प्रभार क्षेत्र में राजस्थान का जो इलाका है तो वहाँ कुछ देर के लिए वहाँ एयर स्ट्रिप पर पहुंचे थे लालगढ़ जाटान। और वहीं स्थानीय ज्यादा किसी को उनके यात्रा की जानकारी नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी को इस बारे में बताया। कुछ ही नेताओं को जानकारी थी और वहाँ उनसे मुलाकात हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा और इसके साथ ही वहाँ स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और कांग्रेस के अन्य नेताओं उनसे मिले। और कल आखिरी दिन है पंजाब के चुनाव का, कल सभी को कांग्रेस नेताओं को पंजाब को छोड़ना है। 19 को अजय माकन का जयपुर का दौरा प्रस्तावित है, जो प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें उनको आना है। अजय माकन 19 को जयपुर आएंगे और इसके साथ ही संक्षिप्त दौरा एक गंगानगर का कहा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कुछ देर बाद अजय माकन हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।